हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही क्रिस्पी इंस्टेंट डोसा। तो अचानक से अगर आपको डोसा खाने का मन कर रहा है और चावल भिगोए हुए नहीं है, तब भी आप बहुत ही बढ़िया से डोसा बना सकते हैं। बस आटे को घोलिए और तुरंत ही डोसा रेडी कीजिए। ना आपको बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनो, दही कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी होता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, इसे जरूर घर पर ट्राई करें। वीडियो अगर जरा से भी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमीदास किचन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे भी क्लिक करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी अपने व्यूज और एक्सपीरियंस वहां साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में एक कप चावल का आटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, चावल का जो आटा है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, चावल को आप 3 घंटे भिगो कर रख सकते हैं। उसके बाद उसे पानी से धो दीजिए, दूसरा पानी उसमें डालें और उसको एकदम फाइन ग्राइंड कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो ये हमने गाजर लिया है, हाफ गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है। हेल्थी बनाने के लिए हम गाजर का यूज़ करेंगे। ये एक बारीक कट की भी हमने प्याज ली है, वो हमें ऐड कर देना है। प्याज को हमें बारीक ही कट करना है, मोटा मोटा कट नहीं करना है। ये हमने थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है कट करके, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेश धनिया है ये 1 बड़ा चम्मच। 2 कटके हुए हरी मिर्च, वो भी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। तो इसमें हम पहले 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे फिर मिक्स करेंगे इसको। तो अब 1 कप पानी हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो टोटल हमने 2 कप पानी यूज किया है 1 कप चावल के आटे में। तो पहले हमने थोड़ा पानी डाल के इसलिए मिक्स कर लिया जिससे कि इसमें लम्स ना बने। अगर आप डोसे को थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें 1.5 कप पानी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए, इतना पतला ही हमें इसे रखना है। तो आप इसको तुरंत ही इसके डोसे बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम इसके खाने के लिए खास चटनी बनाएंगे, तो तब तक इसको एक साइड रख देंगे। तब हम गैस पर बर्तन में 2 चम्मच तिल लेंगे। ये हमने सफ़ेद तिल लिए है। तो ये तिल को हम इसमें चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, तिल हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो ये रोस्टेड तिल को एक मिक्सर जार में ले लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच रोस्टेड मूंगफली ऐड करेंगे। ये हमने हरा नारियल लिया है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, 5 लहसुन की कली, थोड़े से कट किए हुए कड़ी पत्ता, 1 चम्मच नींबू का जूस ऐड करेंगे। अगर नींबू का जूस नहीं है तो 2 चम्मच दही ले सकते हैं, इससे जो चटनी है उसमें खट्टापन आएगा। 1/4 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये चटनी हमारी रेडी है, इसे हम एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। तो चटनी को आप जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें हम 1/4 चम्मच काले सरसों ऐड करेंगे। आप चाहे तो राई भी ले सकते हैं, सरसों जो भी आपके पास हो। 1/4 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। तो सरसों चटकने पर गैस को पहले हम ऑफ कर देंगे। 1 पिंच इसमें हम हींग ऐड कर देंगे और थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। तो मिक्स कर लेंगे। ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है। तो ये जो चटनी हमने रेडी की है उसमें हम तड़का डाल देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर रेडी होती है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें। तब ये जो बैटर है हमारा, इसको हम थोड़ा चला लेंगे। तो ये बैटर में हमें ना इनो डालने की ज़रूरत है, ना सोडा डालने की ज़रूरत है और ना ही दही डालने की ज़रूरत है। ऐसे ही हम डोसे को बनाएंगे। गैस पर यह हमने तवा लिया है, तवे में हम ऑयल लगा लेंगे। तवे को हमें तेज आंच पर ही गरम कर लेना है पहले अच्छे से, सभी साइड अच्छे से ऑयल लगाना है। अब जो बैटर है हमारा वो हम इसमें डालेंगे। तो पहले हमें इस तरीके से किनारे में इसको फैलाना है।
प्याज की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। तो इसको हमें बहुत ज्यादा मोटा नहीं फैलाना है, थोड़ा पतला ही फैलाना है और मीडियम फ्लेम पर ही इसको हमें सिकने देना है। तो देखिए डोसा सिकने लगा है, ऊपर तक देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। जब ये सिकेगा तो अपना आप ही किनारे को छोड़ने लगेगा, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया से डोसा बनके हमारा रेडी है। एक प्लेट में इसको रख देंगे, ऐसे ही दूसरा डोसा भी हम रेडी करेंगे। तो तवे पर पहले हम तेल लगा लेंगे, तेल हमें अच्छे से लगाना है। बैटर को डालेंगे, तो इसको हमें पतला फैलाना है, बस इस चीज का ध्यान रखें। मीडियम फ्लेम पर ही इसको सिकने देंगे। तो इसको पलटना तब है जब हमें लगे कि ऊपर से इसका कलर चेंज हो रहा है, किनारे को छोड़ना शुरू हो गया है, तब फिर हमें इसे पलटना है। तो देखिए इसमें ऊपर ऊपर से ब्राउनिश कलर आ गया है। तो ये डोसा हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, तो इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बना है। इसको भी हम इस प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी डोसा रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। देखा आपने कितना इंस्टेंट बनकर रेडी हुआ, और साथ ही में हमने बहुत ही अच्छे से चटनी भी बनाई है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आपको दिखाते हैं डोसा कितना बढ़िया बना है, देख सकते हैं कितना अच्छे से क्रिस्पी है। गर्मा गर्म जब भी आपको खाना हो तुरंत ही गर्म बना के खाए, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनकर रेडी होता है। और चावल के आटे के डोसे हैं इसलिए जल्दी से सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप ट्राई जरूर करें। बहुत ही आसान डोसे की रेसिपी है, ना चावल भिगोने की झंझट है, ना इसमें कुछ सोडा बेकिंग पाउडर डालने की झंझट है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली बनकर रेडी होता है, लेकिन बेहद स्वादिष्ट लगता है। चटनी भी बिल्कुल आसान है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो जरूर घर पर ट्राई करें। वीडियो अगर जरा से पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमीदास किचन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूले। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप इसे कब बनाने जा रहे हैं। अब हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।